दुनिया के सबसे कद्दावर जानवर के मन में अक्सर यही चलता रहता है कि अपने प्रतिद्वंदी को मुकाबले से कैसे बाहर किया जाए। और जैसा कि अक्सर होता है, मामला ताकत दिखाने तक पहुंच जाता है। अब वक्त है पूरा दम हम जुटाकर इन गर्दनों से हमला करने का। और जब कोई खूबसूरत मादा जिराफ आसपास हो तो ये अक्सर अपना दमखम दिखाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो मिलन के लिए तैयार हो तो विजेता को मौका दे सकती है। जिराफ के सिर का वजन 13 से 14 किलोग्राम तक होता है, जिस पर दो ऑसिकोन्स होते हैं, और ये वाकई अपनी चोट से चकना चूर कर सकता है। नर एक जबरदस्त हमले से अपने प्रतिद्वंदी की छुट्टी कर सकता है, लेकिन कई बार ये मुकाबले काफी देर तक चलते रहते हैं और किसी की जीत नहीं होती। इस मादा को कोई जल्दी नहीं, ये अगली लड़ाई का इंतजार करेगी। शिकार करने के 35 वर्ग किलोमीटर इलाके पर राज करने वाले इस शानदार तेंदुए को किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बस इंतजार करता रहता है कि मादाएं इसके पास आ जाएं। ये अच्छा है कि ये अपनी मौजूदगी का संकेत देने के लिए पूरे सवाना में यहाँ वहाँ पेशाब करता रहता है। लेकिन मादा तेंदुए को इसकी गंध तभी मिलेगी जब वो यहाँ से गुजरे और इसे सूंघे। ये जवान मादा तेंदुआ इसी इलाके में बस गई क्योंकि यहाँ शिकार की भरमार है। लेकिन इलाके के राजा में दिलचस्पी दिखाने से पहले इसे फिर से अपना दमखम जुटाना है। इस बार ये बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ी और हमला भी सटीक रहा। मादा तेंदुए ने शिकार को दबोचकर उसकी गर्दन तोड़ दी और दम घोटकर मार डाला। इस नर को पता नहीं है कि एक जवान मादा इसके इलाके में आ चुकी है। खाना खत्म करने के बाद मादा को जल्दी ही इस इलाके के नर की गंध मिल गई। उसने सवाना में इतनी जगह अपने निशान छोड़े हैं कि मादा उसे ढूंढ ही लेगी। अब मल मूत्र छोड़ने की बारी मादा की है। ये जानवरों के आईडी कार्ड की तरह है। इसकी गंध से पता चलता है कि ये नर है या मादा, कितनी सेहतमंद है और मिलन के लिए तैयार है या नहीं। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस उसे उम्मीद करनी है कि नर तेंदुआ इसके संकेतों को समझ ले।